गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी सो के उठा हूँ मैं और मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है। आज मेरा ब्रेकफास्ट पड़ोस वाला रूम में एक बंदा रहता है, वो लेके आया था। तो अभी भैया को मेरे पास सोना है, तो बोले तो जो अभी तक खाना आया ना उसका शीट शेयर कर दो, तो वो मैं भी उनको शेयर कर दूंगा। और बाकी मैंने वीडियो एडिट कर दी, अब सीधा मैं जा रहा हूँ अपलोड करने, और वीडियो आपको मिल जाएगी 10 बजे तक। तो अभी इसको करते हैं अपलोड, फिर मिलते हैं। ओके, तो गाइज मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। ब्रेकफास्ट होने के बाद मैंने भैया को फोन किया था, क्योंकि उनको आज रेंट देना था, तो मैंने उनको फोन किया हुआ। वो आए हैं, उनसे रेंट लेंगे। और आज ना सबसे यार एक चीज हो गई है, वो सबसे ज्यादा खराब मुझे लग रही है, कि आज ना एक बंदा यहाँ पे आ गया, फोर शेडिंग कर दिया उन्होंने। यार तो समझ नहीं आता, ये रूम ऑनर जो होते हैं, फिर जो बिल्डिंग ऑनर्स होते हैं, पता है इनके दिमाग में क्या चलता है भाई। 3 का अच्छा खासा स्पेस है इसमें, और एक बंदा पता नहीं कहाँ इधर बेड डाल लिया। ये देखो, ये कोने में बेड डाल दिया, कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रही है और बेड डाल दिया इसमें, 4 शेडिंग कर दिया। मूड ज्यादा खराब है, मैं बात करके आया हूँ। तो मैंने बोला अपने भैया ऐसे तो 4 में तो नहीं हो पाएगा चीजें, कैसे मैनेज हो गया। मन बोले तो फिर बात करते हैं इनसे भी, या तो रेंट के रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे, वरना फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा। इतना ज्यादा नहीं यार, कंसिडरेबल नहीं है ये। तो अभी तो मैं यहाँ से फिर चेंज करूंगा, नहीं तो फिर देखते हैं क्या है। अभी तक तो यही है, बाकी बात करते हैं अगर कुछ हो जाता है। नहीं तो अभी, क्योंकि मेरा अच्छा ऑफिस का टाइम भी हो रहा है, तो फटाफट से मैं जाता हूँ। अब रेडी होऊंगा और रेडी होने के बाद एक बार फिर से बात करूंगा। अभी जब मैं बात करने गया था तो वो ना अपनी मीटिंग वगैरह ले रहे थे, तो देखते हैं मीटिंग कंप्लीट होने के बाद अगर बात करेंगे तो करूंगा जाके बात, अदरवाइज के केस में फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, बहुत ज्यादा हौच-पौच हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल चलते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। तो पानी को कर लगा देते हैं गर्म होने, वो गीजर ऑन कर दिया मैंने, गर्म होगा। एक लाइट और ऑन कर लेते हैं ताकि फोकस बहुत अच्छा बना रहा है गाइस, फोकस। बाकी एक बार बात करके देखते हैं क्या रहता है। ओके, तो अभी हो चुका मेरा लंच, अब सीधा निकलते हैं ऑफिस के लिए। और अभी क्या हुआ था कि मतलब मेरे लंच वगैरह कर लिया, बाकी मैं रूम की बात भी करके आया हूँ, तो फिर डिसीजन हो गया लाइक क्या करना है आगे, तो मूविंग फॉरवर्ड उस पर चलेंगे। और अभी मैं कर चुका हूँ लंच, अब सीधा निकलते हैं ऑफिस के लिए और मिलते हैं ऑफिस पहुंचने के बाद। ठीक है ना, देहरादून में पता क्या है, जब कोई यहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो यहाँ की पूरी जो मार्केट है वो सब एक ही जैसे झंडे में है। ये देखो, पूरा राम मंदिर की तैयारी क्या चल रहा है, तो पूरे दुकानों ने एक जैसे कर रखे हैं, पूरा सब जगह ये सब राम मंदिर की तैयारी। ओके, तो आ चुका हूँ मैं सीधा रूम पे अब। और आज मार्केट क्या अच्छा सजा रखा था इन्होंने, मतलब अपन लोगों ने जय श्री राम के झंडे लग रखे थे सारी जगह, और पूरा मार्केट पूरा का पूरा रेड कर रखा था। मुझे टाइम मिला था ऑफिस के बाद, तो मैं देखने गया था, काफी अच्छे झंडे लग रखे थे। अभी एक जगह वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो अब ना मैं आया हूँ सीधा रूम पे, आज मैंने रास्ते में कुछ नहीं लिया, क्योंकि बस से आया तो सीधा आ गया। तो अभी सीधा चेंज करते हैं और फिर मिलते हैं डिनर पे। तो आज ना जिसमें चार मतलब जो बता रहा था ना भाई, आज एक मेरे रूम में और एक बंदा आने वाला है। सो मीट द वन एंड ओनली एरन, ही इज फ्रॉम केरला गाइस। जस्ट भाई बहुत ज्यादा सर मारा है, फर्स्ट डे है, कह रहा था देहरादून में ना बहुत ज्यादा सर्दी हो रही, बट इज टू क्यूट, काफी अच्छा बात करके लगा मेरे को, अच्छा है बस। बाकी केरला से भाई, लॉट्स ऑफ लव टू केरला। और भाई कैसा लग रहा था देहरादून में, लाइक हाउ डिड यू फील लाइक इन देहरादून, टेल मी ब्रो। ऑल फाइन, एनीवे लेट्स सी। ओके, तो ना काफी टाइम से ना मेरी कुछ एक सीरीज पेंडिंग पड़ी हुई है, मतलब अभी तक रिलीज नहीं हुई थी, जिसमें पहली एक द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 और सपने वर्सेस जिम्मेदारी द फाइनल शॉट। तो अभी ना मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ सपने वर्सेस जिम्मेदारी, देखूंगा। मेरा लैपटॉप आ चुका है, ऑल सेट, बाकी ये ऑफिस का है वो है, बाकी मेरा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना, सबसे पहले देखूंगा सपने वर्सेस जिम्मेदारी। तो इसको अभी करते हैं स्टार्ट और फिर करते हैं इसको फिनिश, तो देखते हैं। क्योंकि यार स्टार्टिंग है ना, पहले जो मैंने पहला सीजन देखा, बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग चारों को, मतलब जो सपने वर्सेस जिम्मेदारी के मैंने देखे पहले के 4-5 पार्ट देखे हैं भाई, बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है, मस्त मजा आ गया एकदम से, बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगा। तो अभी तो मैं ऐसे जो फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं वो मुझे काफी अच्छे लगे, तो इसलिए मैं फाइनल वाला देखने जा रहा हूँ। अब इसको देख के फटाफट से करते हैं खत्म, और मतलब रेकमेंड करूंगा जाके देखो यार, बहुत अच्छी है सीरीज। तो ओके, तो अभी मैंने सपने वर्सेस जिम्मेदारी देख ली, खत्म होगी मूवी, मूवी क्या सीरीज थी, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आती भाई, बहुत अच्छी सीरीज थी, आगे के पहले के जो 4 पार्ट थे बहुत अच्छे थे, लास्ट का जो फाइनल उन्होंने निकाला है पता नहीं दम क्यों नहीं होती, पहले के 4 में इतनी मतलब बहुत तगड़े सीन थे उसमें, वो मैंने देख लिए, और अभी ना ये लास्ट वाला इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिलहाल तो देख लिया है, पर ठीक है, अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज हैं, अच्छी है, देखो और आगे उसको शेयर भी करो। और बाकी अभी मेरा डिनर आ चुका है, तो मैं डिनर करने जा रहा था, तो अभी डिनर करने के लिए मैंने ना प्लेट धुली, और प्लेट धुलते हुए ना मेरी नवीन से भी कुछ बात चल रही थी, तो नवीन कुछ बता रहा था कि ऐसा ऐसा चल रहा है, और भाई मतलब मैं अपनी प्लेट धुल रहा था, ये अपना खाना बना रहा है, तो यार मतलब ऐसा नहीं होता, बीइंग अ बॉयज हम लोग कुछ भी बहुत सारी ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ नहीं झेलते हैं यार, बाहर निकल के ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, और हम लौंडे ना भाई सब झेल जाते हैं, बस एक चीज में कि चलो ठीक है यार सब चल रहा है, हंस के बाहर आ जाते हैं कि चलो ठीक है भाई चल रहा है भाई, मतलब ऐसी चीजें बताता है बंदा भाई। और हाँ, और वो भी घर में किसी को नहीं पता होता कि हम लोग की एग्जैक्टली जिंदगी में क्या चल रहा है, और जो बंदे बाहर रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा, चाहे वो कॉलेज लाइफ में हो, चाहे वो लाइक बैचलर्स हो
या जॉब कर रहे हो, देखो सारी चीजें चलती हैं, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, बट अभी नवीन जैसा मुझे कुछ बता रहा था, सोच के लगा कि यार हम लोग सब मतलब लौंडे तो झेल जाते हैं यार, फिर एक मुस्कान के साथ अगले दिन उठते हैं कि भाई करते हैं कुछ, कुछ तो करना है। अभी अपना खाना खा रहा, अभी से कुछ बात हुई तो पता चला, अभी दाल का बता रहा था कि धनिया नहीं डाला तो फॉर सम रीजन अब वो मैं नहीं बताऊंगा, तो ये चल रहा है यार। और फिर भी हम लौंडे हंसते रहते हैं भाई चलो ठीक है, और अभी ना फिर अभी करोड़ों की बात करेंगे तो भाई ये है। तो अभी हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, चीजें चलती हैं यार, लौंडे झेलते हैं भाई, बाहर निकल के तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और लाइक मैं पिछले 3-4 साल से बाहर हूं, तो मैं बहुत सारे, और ऐसा ना मैं शेयरिंग में रहता हूं तो कई बार इंडिविजुअल भी रहा हूं, शेयरिंग में फिर ज्यादा रहता है क्योंकि बंदों सीखने को बहुत मिलता है यार। तो जाता हूं अलग अलग टाइप के बंदे मिलते हैं, जैसे एक बंदा यार है केरल का आया हुआ है, तो सबकी अपनी अपनी चीजें यार, बहुत ज्यादा कुछ सीखने मिलता है, साथ में रहने मिलता है, जो एक्सपीरियंस ईयर होते हैं उनकी नॉलेज देखने को मिलती है। और फिर एक ना एक चीज हम लौंडों में कॉमन होती है, चाहे कहीं से भी हो आप, किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट से आए हो, बस एक होता है कि बहुत सारी चीजें इंटरनली चलती रहती हैं, किसी को नहीं बताना होता। एक सामने एक स्माइल होती है, बहुत बड़ी स्माइल, जिसमें हम ना सारी चीजें अपनी हाइड कर ले जाते हैं कि यार ठीक है बस चल रहा है क्या है, तो यही है। और मुस्कुराते रहते हैं, जिंदगी चलती रहती है, बढ़ते हैं। और बाकी आज किसी ने, मैं वीडियो देख रहा था, किसी ने कमेंट किया हुआ था मेरे साथ, भाई सैली ना, कल मैंने बताया था सैली डे था कल मेरा, तो सैली ग्रेड हुई, किसी ने मेरे को नीचे कमेंट कर रखा था वीडियो में कि भाई ना सैली बांट दो, तो मैं उसके लिए बोलता हूँ कि भाई देखो बांटे ना किसी दिन तो बहुत बड़ी खुशियां बांटेंगे, ये कागज को टुकड़ों को बांट के क्या ही करेंगे। ओके गाइस, तो गुड नाइट, अभी सारे लोग सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और इस ब्लॉग को करते हैं अब यहाँ पे खत्म। गुड नाइट, राधे राधे, और कल सुबह मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए पीस आउट और मचाते रहो। सब सो गए सन्नाटे में, मैं भी सो जाता हूँ चुपचाप से, बाय।